मैं यतिवारिया कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में तुला राशि का जून महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। आपकी तुला राशि के कुछ खास गुण और शुभ भाग्यशाली बातों की जानकारी भी दूंगा और साथ ही जून महीने के पहले दिन सूर्योदय के समय गोचर भी बताऊंगा और साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको आपकी राशि के लिए उपाय भी बताऊंगा। बस आपकी अगर तुला राशि है तो आप मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें तो आपको जून महीने के सभी अच्छे और बुरे दिनों की जानकारी हो जाएगी और अच्छे दिनों का लाभ आप उठा सकेंगे और बुरे दिनों में आप संभल कर रह सकेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ आपकी तुला राशि के कुछ खासियत की। आपकी तुला राशि है, 12 राशियों में आपकी राशि 7वें नंबर की है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। नव ग्रहों में शुक्र को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आपकी राशि के नाम के अक्षर इस तरह के होते हैं, जैसे रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। अगर आपका नाम जन्म कुंडली में इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो आपकी तुला राशि है। आपके राशि की जो आराध्य देवी है वह लक्ष्मी माता और दुर्गा माता है। भाग्यशाली रंग सफेद है। राशि का जो धातु है वह लोहा और चांदी है। हीरा आपके लिए शुभ रत्न है। स्फटिक को भी आपका शुभ धातु माना जाता है या रत्न माना जाता है, लेकिन आप पन्ना और नीलम भी धारण कर सकते हैं। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए शुभ होता है। आपकी राशि चर स्वभाव की और वायु तत्व की है और सम प्रकृति की राशि है। यह थी आपकी तुला राशि के लिए सामान्य जानकारी। अब मैं आपको 1 जून को सुबह सूर्योदय के समय किस प्रकार का ग्रह गोचर रहेगा यह बता देता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि तुला है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें ताकि आप जान सके कि जून महीने में कौन सा दिन पक्ष का है और कौन सा दिन अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और आपके लिए इस महीने का एक राशि स्वामी का चमत्कारी मंत्र भी बताऊंगा। आप लगातार मेरे वीडियो को देखें। अब मैं आपको 1 जून की सुबह सूर्योदय के समय कैसे रहेंगे ग्रह गोचर इस बारे में जानकारी बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर इस कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। सुबह सूर्योदय 5:46 पर होगा और उस समय स्थिर वृषभ लग्न होगा। लग्न में ही सूर्य और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र स्वग्रही होगा, लेकिन वक्री और अष्ट अवस्था का होगा। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में राहु उच्च का और साथ में स्वग्रही मिथुन राशि में बुध होगा। 5वें संतान और शिक्षा स्थान में कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेगा। 8वें मृत्यु स्थान में केतु का गोचर गुरु की धनु राशि में रहेगा। 9वें भाग्य स्थान में शनि की राशि में वक्री और नीच का गुरु और स्वग्रही शनि वक्री होंगे। 10वें कर्म स्थान में शनि की कुंभ राशि में मंगल का गोचर रहेगा। इस प्रकार से 1 तारीख को सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब देखते हैं कि इस गोचर के अनुसार आपका जून महीना कैसा रहेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो पोस्ट होते ही सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई बातचीत करना है तो मेरा मोबाइल नंबर 9462575291 यानी कि 9462575291 आप यहाँ स्क्रीन पर भी नीचे काली पट्टी में देख रहे हैं, इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मैं 10 से 11 बजे तक सिर्फ बात करूँगा। आप उस समय मेरे को कुंडली के लिए नहीं पूछे क्योंकि 1 घंटे में मैं किसी को कोई कुंडली देख कर जवाब नहीं दे पाऊँगा। कुंडली देखने या एक सवाल पूछने के लिए अब मैं आगे अलग से कोई ना कोई नया समय निकाल कर आपके सामने जल्दी ही देने वाला हूँ।
एक खास बात और है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आने के कारण मैंने अपना व्हाट्सअप अब डिलीट कर दिया है, क्योंकि 400-500 मैसेज रोज़ाना आते हैं और इतने मैसेजों को मैं रोज़ाना जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे पास में जो शुल्क भरकर कुंडलियाँ दिखाने वाली होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा अर्जेंट होता है इसलिए वो शुल्क भरते हैं और अपने जो पूछना होता है वह मेरे से पूछते हैं, तो उनको बताने में ही मेरा सारा दिन निकल जाता है। इसलिए मैं जो एक सवाल का जवाब आपको व्हाट्सएप पर दिया करता था उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, तो मैंने अपना व्हाट्सएप भी अभी डिलीट कर दिया है, लेकिन जल्दी ही मैं मेरा टाइम टेबल थोड़ा बदल कर आप लोगों से वापस सवाल जवाब करूंगा। जो आपका जो कुंडली है एक सवाल पूछ कर जवाब देने वाला वह भी मैं वापस शुरू कर दूंगा, थोड़ा दिन का मेरे को समय चाहिए, मैं वापस ये व्यवस्था शुरू करूँगा। जल्दी ही मैं आपके सामने YouTube पर ऑनलाइन भी आऊँगा और ऑनलाइन आकर आपसे बातचीत करूँगा, और अगर समय ज़्यादा रहा और तो मैं आपको वहाँ पर भी आपके एक सवाल का जवाब YouTube पर ऑनलाइन आकर दूँगा। अब मैं मेरा टाइम टेबल थोड़ा बदल रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखें, आपसे मैं जल्दी मिलूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा बीतेगा। 1 और 2 जून को चंद्रमा आपके लिए 12वें खर्च भाव में रहेगा, इसलिए महीने की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं रहने वाली है। फिजूल की बातों का टेंशन लेकर आप घूमेंगे और कुछ मूड खराब करके आपके जो पड़ोसी है वह भी आपका मूड खराब कर देंगे। अपनी बातों से वो कुछ भी कहे, आपको उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है। आय कम खर्च अधिक रहने के कारण धन के संबंधित चिंता अधिक रहेगी। इन 2 दिनों में किसी को भी आप अपशब्द न कहे और न ही पीठ पीछे किसी की निंदा करें। 3 और 4 जून को चंद्रमा आपके राशि में गोचर करेगा, इसलिए यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे या धन मिलने से परिवार में खुशियां बढ़ेगी। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा का प्रोग्राम हो तो यात्रा भी कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं और दाम्पत्य सुख में आपके बढ़ोतरी होगी। 5 और 6 जून को चंद्रमा आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा, यह समय भी आपके लिए पक्ष का रहेगा। परिवार में कोई भौतिक सुख सुविधा का सामान खरीद कर ला सकते हैं, शादी लायक बच्चों के लिए रिश्ता आ सकता है, या फिर कहीं आप रिश्ते की बात भी चलाएं तो चलाई जा सकती है। घर में रौनक रहेगी, कुछ मेहमान आ सकते हैं, कोई नया मित्र बन सकता है जो आपके लिए आगे चलकर सहायक सिद्ध हो, आय बढ़ेगी और पुरानी उधारी आदि भी मिल जाएगी। 7 और 8 जून को आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में चंद्रमा गोचर करेगा या रहेगा, यह समय भी आपके लिए पक्ष का रहेगा। हालांकि इस समय में आपको मेहनत तो कुछ अधिक करनी पड़ेगी लेकिन उसका लाभ भी मिल जाएगा। यह समय परिश्रम से लाभ कमाने का रहेगा, नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई पदभार ग्रहण कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और परिवार के लोग सहायता भी करेंगे। 9 और 10 जून को चंद्रमा आपके लिए चौथा रहेगा, यह समय आपके लिए कोई ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को कहेंगे। स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहेगा, आपको कोई भी कितना भी उकसाए आप गुस्सा करने से बचें। यह समय आपके लिए कुछ नई सुविधाओं के लिए भी रहेगा, हालांकि खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। 11, 12 और 13 जून को चंद्रमा आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा, यह आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपकी चिंतन करने की शक्ति बहुत तेज काम करेगी, आपकी सलाह और मशवरे को लोग मानेंगे। अगर आप कोई परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, धन की आवक भी बढ़ेगी, कोई नया काम शुरू करने का विचार सफलता से पूरा कर सकते हैं, व्यापार और व्यवसाय में तेजी से सुधार होगा। 14 और 15 जून को चंद्रमा आपके लिए 6ठे भाव में गोचर करेगा, इन 2 दिनों में आपको एक तो अपनी सेहत को संभालना है और दूसरी तरफ आपको कुछ गुप्त शत्रुओं की चालों को भी समझने की आवश्यकता रहेगी। लोग आपके मुंह पर तो मीठा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करेंगे। इन दिनों में आप अच्छा स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिकता से भरपूर भोजन खाएं और ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी आदि, और लू, गर्मी और धूप से बचें।
16, 17 और 18 जून को चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। यह गोचर आपके लिए सुने और उदास मन में नया जीवन फूंकने वाला रहेगा। अगर आप विवाहित है तो आपका जीवन साथी आपके आपसे खूब प्रेम प्यार से व्यवहार करेगा और भरपूर दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। पति पत्नी कहीं बाहर बगीचे में, होटल में या लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह समय अपने प्रेमी संग बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आप अविवाहित है तो इस समय में कहीं बात चलाएंगे तो जल्दी रिश्ता बन जाने वाला है। प्रेमी लोग भी अगर चाहे तो अपने परिवार से बात चला सकते हैं ताकि जल्दी ही विवाह के बंधन में बन जाए। 19 और 20 जून को चंद्रमा आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर करेगा। यह समय पूर्णतः विपरीत रहने वाला है। अगर आप किसी का भला भी सोचेंगे इस समय में तो वो आपके लिए ऐसा सोचेगा कि जरूर आपको उससे कोई काम है, इसलिए आप उसका अच्छा सोच रहे हैं। लड़ाई, झगड़ा, कलेश आदि का समय रहेगा और ऐसी स्थिति में आपको बचकर रहना है। अपना वाहन आदि भी संभाल कर चलाएं, कहीं चोट आदि लग सकती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से यह समय प्रतिकूल रहेगा। 21 और 22 जून को समय फिर परिवर्तन होगा और आपके नवम भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा। तब समय पक्ष का बन जाएगा, काम फिर से बनने लगेंगे, रुके अटके काम भी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। इस समय में कोई भी नया काम शुरू करना हो तो दिन और मुहूर्त अच्छा हो तो शुरू कर सकते हैं। आपके विचारों में एक नई प्रकार की परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी रुचि भी धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, कोई धार्मिक यात्रा आदि करने का मौका भी मिलेगा। गूढ़ रहस्यों को जानने और उन्हें समझने की कोशिश में आपकी रुचि लेंगे। 23, 24 और 25 जून को चंद्रमा आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए व्यापारिक, कारोबारिक उन्नति और विस्तार लिए हुए होगा। आप कारोबार में बहुत व्यस्त रहेंगे। अगर व्यापार स्थान परिवर्तन करना हो या नौकरी बदलना हो, यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों को इन दिनों में प्रमोशन आदि मिलने के योग रहेंगे। कर्म स्थान का चंद्रमा परिवर्तन और उन्नति का होता है। जो लोग बेरोजगार है वो अगर इन 3 दिनों में थोड़ा मेहनत करेंगे तो जॉब आदि अच्छी मिल सकती है, नया काम शुरू कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा का लाभ मिलेगा, कानूनी मुद्दों में भी सफलता मिलेगी। हर तरफ से आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, अनुकूलता वाला रहेगा। 25 तारीख की दोपहर से चंद्रमा आपके 11वें लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। 26 और 27 जून को चंद्रमा आपके 11वें लाभ स्थान में रहेगा और यह 2 दिन आपके लिए शानदार सफलता और आर्थिक लाभ के साथ बीतेंगे। कुछ बड़े सौदे हाथ में आएंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, आय में लगातार बढ़ोतरी होगी, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियां भी बढ़ेगी। परिवार में कोई आप चाहें तो शादी विवाह की भी बात कर सकते हैं। यह समय आपके लिए पूरे महीने का आर्थिक संतुलन बनाकर लाभ कमाने वाला रहेगा। 28 और 29 जून को आपके लिए समय विपरीत रहेगा। चंद्रमा आपके 12वें खर्च भाव में गोचर करेंगे। निजी कार्यों में बाधा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आय कम और खर्च अधिक होगा। यह आपके लिए मानसिक तनाव से भरा रह सकता है। लोग छोटी छोटी बातों में आपका बुरा मानेंगे। व्यापारिक उथल पुथल का समय रहेगा। नौकरी आदि में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं किसी गलत इन्वेस्टमेंट के कारण पैसा भी फंस सकता है। बहुत सावधानी से धन का लेन देन करें और यात्रा को टाल दें। 30 जून को चंद्रमा आपके राशि में आ जाएगा। यह समय बहुत अच्छा बीतेगा, फिर से आपका मन खुश और प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशियां लौट आएगी, नए काम की योजना भी सफल होगी, अधिक आय करने के आपके प्रयास सफल होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। कोई वाहन या भूमि आदि लेने की सोच रहे हैं तो अब आप ले सकते हैं। दाम्पत्य सुख में भी बढ़ोतरी होगी, स्वादिष्ट भोजन और नई वस्तु के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर इस समय का आप अगर सही सदुपयोग करेंगे तो महीने का अंत भला होगा और अंत भला तो सब भला होता है। यह था जून महीने का मासिक राशिफल और अब मैं वीडियो के इस अंतिम भाग में आपको कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप चाहें तो श्रद्धा से कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र कमजोर है, अष्ट अवस्था का है, किसी अशुभ युति में है या अशुभ स्थान में है और आपको शारीरिक, पारिवारिक सुख
या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आप एक बार अपने कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर उपाय करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह उपाय मैं जो बता रहा हूँ वह सामान्य उपाय है। पहला उपाय यह है, शुक्र का अशुभ फल मिल रहा है तो आप शुक्रवार का व्रत करें और पत्नी या किसी भी महिला का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, भूलकर भी अपमान ना करें और पराई स्त्री से दूर रहेंगे, शुक्र मजबूत होगा। घर की साफ सफाई रखें, कपड़े आदि व्यवस्थित पहनें, इत्र या फिर खुशबूदार स्प्रे आदि का इस्तेमाल करें। हीरा या ओपल अपने रिंग फिंगर में जरूर पहने और शुक्र के मंत्र का जाप नित्य दो माला करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। यह मंत्र है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करके उन्हें दूध और चावल से बने खीर का भोग लगाएं। शुक्र का शुभ फल पाने के लिए चांदी की गोल रिंग अंगूठे में धारण कर सकते हैं और नहाने के पानी में बड़ी इलायची को उबाल कर डालें और उस पानी से नहाएंगे तो शुक्र मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन दूध, चावल, साबूदाना, मिश्री, शक्कर आदि का दान करें, चाहे तो सफ़ेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह था आपकी तुला राशि के लिए जून महीने का मासिक राशिफल और शुक्र से संबंधित जानकारी। साथ ही मैंने जून महीने के शुरू में ग्रह गोचर की और अंत में उपाय बताए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और साथ ही अपने तुला राशि के जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि का जून महीना कैसा बीतेगा यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।